बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फनेटिक्स एंड फनोलॉजी का आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, और लेक्चर नंबर 5 में हम ज़रा देखते हैं कि हमने क्या डिस्कस करना है। जी, हमारे कोर्स आउटलाइन में हम फनेटिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट टू लेक्चर्स में हमने अकोस्टिक फोनेटिक्स को भी डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑडिटरी फोनेटिक्स। ऑडिटरी फोनेटिक्स आज का हमारा टॉपिक है। ऑडिटरी फोनेटिक्स की तरफ आते हैं। टॉपिक की नेचर कुछ इस किस्म की है कि शायद इसको कवर करने में हमें 2 लेक्चर लगेंगे या फिर 3 लेक्चर्स लगेंगे, कुछ यकीन से नहीं कह सकता, थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, बट एनीवे 2-3 लेक्चर्स में हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑडिटरी फोनेटिक्स देखें, हमने पहले क्या स्टार्ट हमने किया था फोनेटिक्स को आर्टिकुलेटरी के साथ, और फिर हम आए थे अकूस्टिक के साथ। आज हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं ऑडिटरी के साथ। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में हमने डिस्कस किया था हमारे वो ऑर्गन्स, हमारे जिस्म के वो अज़ा जो कि स्पीच प्रोडक्शन में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में वो आर्टिकुलेटर्स डिस्कस किए गए थे जो कि स्पीच प्रोडक्शन में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। आगे हम आए थे, फिर हम अकूस्टिक फोनेटिक्स में। अकूस्टिक फोनेटिक्स में हमने उन तमाम अवामिल को, उन तमाम एलिमेंट्स को डिस्कस किया था जो कि स्पीच प्रोड्यूस होने के बाद और सुनने वाले के कान तक पहुंचने से पहले जो है वो असरअंदाज होते हैं स्पीच पर, बोलने के बाद और सुने जाने से पहले वो जो दरमियान में जो साउंड वेव्स मूव कर रही होती हैं उस दौरान क्या क्या अवामिल असरअंदाज कर हो रहे होते हैं, उसको हमने अकूस्टिक फोनेटिक्स में डिस्कस किया था। आज हम इसको वाइंड अप करेंगे। इनफैक्ट वाइंड अप करने का टॉपिक हमने स्टार्ट किया है ऑडिटरी फोनेटिक्स, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है हमारे कान जो है वो साउंड वेव्स को रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के बाद आगे मतलब है कान के किन किन हिस्सों से आवाज़ होती हुई हमारे जहन तक पहुंचती है, फिर हम उसको समझते हैं। ठीक है, तो वो जो आवाज़ जो कि एक वाइब्रेशन की सूरत में मूव कर रही होती है, वो जो साउंड वेव्स की सूरत में मूव कर रही होती है, वो हमारे कान उसको कैसे परसीव करते हैं, कैसे समझते हैं उसको, और उसके बाद कैसे जो है वो मुख्तलिफ कान के हिस्सों से होती हुई आवाज़ हमारे जहन तक पहुँचती है, और हमारे जहन जो है वो उस मैसेज को, उस कोड को डिकोड करता है और उससे चीज़ को समझता है हमारा जहन। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे ऑडिटरी फोनेटिक्स में। टॉपिक जो है वो अहम है, थोड़ा सा तवज्जो से सुनिएगा इसको। चलते हैं अपने हैंड आउट की तरफ। जी, हैंड आउट हमारा जो है देखिए ऑडिटरी फोनेटिक्स का है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रोडक्शन ऑफ स्पीच आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में, वो जो ट्रैवल करना, वो जो मूवमेंट ऑफ स्पीच थी, वो जो फिजिक्स ऑफ स्पीच थी, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं अकूस्टिक फोनेटिक्स में। आज हम वाइंड अप कर रहे हैं ऑडिटरी फोनेटिक्स पर, जिसका मतलब है परसेप्शन ऑफ स्पीच, स्पीच साउंड्स को सुनना क्या होता है, सुनने के बाद उसको जो है समझना क्या होता है, उससे मैसेज को डिकोड करना क्या होता है। तो इसी चीज़ को हमने ऑडिटरी फोनेटिक्स के लिए हम दूसरा वर्ड क्या यूज़ करते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स। ऑडिटरी फोनेटिक्स ही परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड, इसके लिए हम परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड का एक टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी बनेगी, द स्टडी ऑफ हाउ द एयर रिसीव्स द स्पीच सिग्नल इज कॉल्ड ऑडिटरी फोनेटिक्स। हमारे कान स्पीच सिग्नल्स को रिसीव कैसे करते हैं, इस चीज़ का जो मुताला है वो ऑडिटरी फोनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, वो प्रोसेस, वो अमल जिसमें हमारे कान आवाज़ों को रिसीव करते हैं, उनको परसीव करते हैं, उनको समझते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं ऑडिटरी फोनेटिक्स। ठीक है, ऑडिटरी फोनेटिक्स में हम आवाज़ के कान का आवाज़ सुनने के अमल को, कान का आवाज़ को परसीव करने के अमल को आगे ट्रांसफर करके जहन तक पहुँचाने का जो अमल होता है वो हमारा ऑडिटरी फोनेटिक्स में डिस्कस किया जाता है। राइट, आगे चलते हैं। जी, ये एक पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ, इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये लिंक करेगा हमारे टॉपिक के साथ किसी एक वन वे और अदर वे, विल डिस्कस दैट, लेट्स गो थ्रू। आवर अबिलिटी टू स्पीक डिपेंड्स क्रूशली ऑन आवर अबिलिटी टू हियर। हमारे
बोलने का जो हमारा जो बोलना है उसका हमारे सुनने के साथ बहुत जो है वो क्या एक लिंक है। ठीक है, हम तभी बोल पाते हैं जब हमें सुनना आता हो। ठीक है, जब हम सुनने के काबिल होते हैं तभी हम बोलने के काबिल हो पाते हैं। कैसे, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। बेबीज हु आर बॉर्न डेफ डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैव फुली फंक्शनिंग स्पीच ऑर्गन्स डू नॉट एक्वायर स्पीच। वो तमाम बेबीज, वो तमाम बच्चे जो कि बहरे पैदा होते हैं, जो कि सुन नहीं सकते, जो कि पैदाइशी सुन नहीं सकते, उन तमाम बच्चों में दे हैव फुली फंक्शनिंग स्पीच ऑर्गन, उनमें जो अल्फाज प्रोड्यूस करने वाले या बोलने वाले जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सब बिल्कुल ठीक होते हैं, सब फंक्शन होते हैं। उस सब के बावजूद दे डू नॉट रिक्वायर स्पीच, फिर भी वो बोल नहीं पाते। वो तमाम बच्चे जो कि डेफ पैदा होते हैं, वो तमाम बच्चे जो कि बहरे पैदा होते हैं, उनमें क्या होता है कि बोलने वाले तमाम अज़ा उनके बिल्कुल ठीक ठीक काम कर रहे होते हैं, उसके बावजूद वो नहीं बोल पा रहे होते। ठीक है, इंस्टेड दे यूज साइन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। उसके बजाय वो लोग क्या करते हैं, ऐसे तमाम लोग वो बोलचाल के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, वो इशारों की जबान से बात कर रहे होते हैं। नॉट बींग एबल टू हेयर दे कैन नॉट लर्न अबाउट द रेलिवेंट यूनिट्स सच एज फनीम्स सिलेबल्स एंड वर्ड्स एंड रूल्स ऑफ स्पीच एंड दे कैन नॉट फॉर्म मेंटल रिप्रेजेंटेशन। नॉट बींग एबल टू हेयर, चूंकि वो लोग चूंकि वो ऐसे तमाम बेबीज जो कि डेफ होते हैं, बहरे होते हैं, वो सुन नहीं पा रहे होते, इसी वजह से वो दूसरे लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या अल्फाज अदा कर रहे हैं, उन अल्फाज में क्या सिलेबल्स यूज़ किए गए हैं, उन सिलेबल्स में क्या फनीम्स यूज़ की गई हैं, इन तमाम चीज़ों को वो लोग नहीं समझ पा रहे होते और उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि उनके सुनने की काबिलियत नहीं होती, इसी वजह से वो इन तमाम चीज़ों को नहीं समझ पाते, नहीं सीख पाते। जब वो इन तमाम चीज़ों को कि फनीम क्या होती है, सिलेबल क्या होता है, वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, और स्पीच के रूल्स क्या होते हैं, जब इन तमाम चीज़ों को वो नहीं सुन पा रहे होते, नहीं सीख पा रहे होते, तो क्या होता है कि उनके जहन में उन अल्फाज की पिक्चर कभी भी नहीं बैठती। देखिए, हमारे जहन में बचपन से जो वर्ड्स हम सुनते हैं, हमारे जहन में उन अल्फाज की उन वो जो छोटे छोटे बिट्स में हम पहले चीज़ों को सीखते हैं, फिर हम पूरे वर्ड सीखते हैं, फिर पूरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सीखते हैं, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो जैसे जैसे हम सीख रहे होते हैं, जैसे जैसे नॉलेज हमारे मेमोरी में स्टोर हो रहा होता है, वैसे वैसे हमारे जहन में उन चीज़ों के एक पिक्चर सी बनती जा रही होती है, एक एक नक्शा सा, खाका सा बनता जा रहा होता है। ये तभी खाका बन सकता है जब आप चीज़ों को सुनते हैं, सुनते हैं तो फिर समझते हैं, सीखते हैं और अपने जहन में किसी चीज़ को स्टोर कर लेते हैं। लेकिन वो तमाम लोग जो कि डेफ होते हैं वो सुन नहीं पा रहे होते, वो सुन नहीं पाते तो अपने जहन में उन चीज़ों को एक खाका नहीं बिठा सकते, अपने जहन में उन चीज़ों का खाका बिल्कुल नहीं बिठा सकते। ठीक है, जिस वजह से ऐसे तमाम लोग जो होते हैं वो बोल भी नहीं पाते, वो मतलब है उनके पास उनके अल्फाज का मजमू नहीं होता, वर्ड्स नहीं होते, तो तमाम बोलने वाले ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक होते हैं, इसके बावजूद वो लोग उनके लिए बोलना क्या होता है, इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर देम। राइट, सो विदाउट मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स एंड रूल्स ऑफ स्पीच द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच इज नॉट पॉसिबल। जहन में चूंकि अल्फाज नहीं बैठे होते, इस वजह से वो क्या होते हैं, उनके लिए स्पीच प्रोड्यूस करना भी क्या होता है, इम्पॉसिबल सा बन जाते हैं। इस पैराग्राफ में हमने क्या सीखा कि सुनने का और बोलने का आपस में एक गहरा ताल्लुक है। आगे देखते हैं। जी, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी ऑडिटरी एनालिसिस स्पीच इज द स्टडी ऑफ द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एयर इन द ब्रेन। ऑडिटरी एनालिसिस की जब भी बात आएगी, ऑडिटरी फोनेटिक्स की जब भी बात आएगी, तो वो स्टार्ट कहाँ से होगी, वो स्टार्ट होगी कि एयर का मुआयना किया जाए, कान के एनाटॉमी को पढ़ा जाए और कान की एयर की फिजियोलॉजी को पढ़ा जाए। कान की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो मुताला है वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, किस चीज़ का, ऑडिटरी फोनेटिक्स को डिस्कस करने का। कान की एनाटॉमी क्या होती है, द एनाटॉमी रेफर्स टू द स्ट्रक्चर, कान के स्ट्रक्चर के बारे में, कान के कितने हिस्से हैं, कौन कौन से हिस्से जो होते हैं वो क्या हैं, कैसे होते हैं, कैसे कौन किससे मुंसलिक होते हैं, तो कान के मुख्तलिफ हिस्सों को, उसकी बनावट को, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ना, इसे हम एनाटॉमी का वर्ड यूज़ करते हैं।
और फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि जो ऑर्गन्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो जो कान जिन 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 ऑर्गन से मिलकर बना होता है, वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है उसका जो मुताला है वो क्या होता है, वो हमारा ऑडिटरी फोनेटिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। दैट आर इन्वॉल्व इन द परसेप्शन ऑफ स्पीच, ठीक है, जो कान के वॉइस है जो कि कान की बनावट में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, कान के वॉइस है जो कि अपने स्पीच की परसेप्शन में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, उन तमाम चीज़ों का जो मुताला है वो हमारा बेसिक पॉइंट है ऑडिटरी फोनेटिक्स को डिस्कस करने का। Although it has to be stressed that even today our knowledge about some of the fundamental processes of hearing is still incomplete. क्या कहा गया कि हम इतना कुछ सीख चुके हैं ऑडिटरी फोनेटिक्स के बारे में, हमें कान के मुख्तलिफ हिस्सों को डिस्कस कर लिया, हर हिस्से का क्या क्या किरदार होता है, इतना नॉलेज हमारे पास आ गया, उस सब के बावजूद अभी भी हमारा नॉलेज जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। अभी भी हम कान के बारे में, कान के फंक्शन के बारे में, सुनने परसेप्शन के परसेप्शन ऑफ स्पीच के बारे में मुकम्मल तौर पर अभी भी हम नहीं जान पाए हैं, ठीक है। लाइक द स्पीच ऑर्गन्स यूज्ड फॉर आर्टिकुलेशन, द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच परसेप्शंस आर डिवाइडेड इनटू सम सिस्टम, ठीक है जी। जब हमने स्पीच को प्रोड्यूस की थी, जब हमने स्पीच को प्रोड्यूस किया था, तब हमने कुछ ऑर्गन्स यूज किए थे, याद होगा आपको, वोकल कॉर्ड्स थे, वो टंग थी, लिप्स थे, टीथ हो गए, पैलेट हो गई। तो हमने जब आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में डिस्कस किया था कि हमारे कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो कि जो कुछ ऑर्गन्स हमारे हैं मिलकर वो स्पीच प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जब स्पीच को सुनने का अमल आता है, परसेप्शन का अमल आता है, तो कान के कुछ ऐसे क्या होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि अपना फंक्शन, अपना पार्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वो जो कान के स्पीच परसेप्शन में जो मुख्तलिफ ऑर्गन यूज़ हो रहे होते हैं, उन ऑर्गन्स को हम सिस्टम्स कहते हैं, और उनको सिस्टम्स, दो सिस्टम्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। कौन कौन से सिस्टम हो जाएंगे, पहला हो गया द पेरिफेरल ऑडिटरी सिस्टम, द पेरिफेरल ऑडिटरी सिस्टम। पेरिफेरल ऑडिटरी सिस्टम जो है वो हमारा कान पर मुश्तमिल होता है कि कान का जो है वो क्या है, उसके मुख्तलिफ उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसकी फिजियोलॉजी क्या है। तो इसमें हम कान के बारे में पढ़ते हैं, और दूसरा जो हमारा ऑडिटरी फोनेटिक्स में जो पार्ट सिस्टम बनता है वो कौन सा बनता है, द इंटरनल ऑडिटरी सिस्टम। इंटरनल ऑडिटरी सिस्टम क्या होता है, वो जो कान जो कि अंदर जाकर हमारे जहन के साथ मिल रहा होता है, तो कान से आवाज़ गुजर कर जब हमारे ब्रेन में पहुँचे तो फिर वो क्या बन जाती है, क्या होती है, कैसे पहुँचती है, तो वो सब चीज़ें जो हमारी आ जाती हैं वो इंटरनल ऑडिटरी सिस्टम में आ जाती हैं। तो हमारे ऑडिटरी सिस्टम में जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स अपना पार्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो ऑर्गन्स मिल दो सिस्टम पर मुनसर होते पर मुश्तमिल होते हैं। पहला सिस्टम होता है द पेरिफेरल ऑडिटरी सिस्टम, और जो दूसरा सिस्टम होता है वो क्या होता है, द इंटरनल ऑडिटरी सिस्टम होते हैं। पेरिफेरल ऑडिटरी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं अब जी। पेरिफेरल ऑडिटरी सिस्टम विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड, जिसमें हम एयर के बारे में पढ़ेंगे, कान के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या है, एयर इज़ जनरली रेफर टू ऑडिटरी सिस्टम। सिर्फ ऑडिटरी सिस्टम में अगर हम सिर्फ कान का भी मुताला करें तो समझें आपने काफ़ी हद तक ऑडिटरी सिस्टम को सीख लिया, मतलब एक इतना ज़्यादा कान का किरदार होता है, एयर का इतना किरदार होता है कि हमारा ऑडिटरी सिस्टम काफ़ी हद तक वो एयर पर ही डिपेंड कर रहा होता है। ह्यूमन पेरिफेरल ऑडिटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स विच आर डिवाइडेड इंटू, जो इंसानी पेरिफेरल ऑडिटरी सिस्टम है उसको हमने तीन मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो इंसानी पेरिफेरल सिस्टम से मतलब क्या हो गया, जो इंसानी कान है उस कान को हम तीन मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, द आउटर एयर का नाम देते हैं, द मिडल एयर का नाम देते हैं, और द इनर एयर का नाम देते हैं। आउटर, मिडल और इनर एयर, ये तीन ऐसे हमारे कान के हिस्से हो जाते हैं। आउटर एयर का काम क्या होता है, इट मॉडिफाइज द इनकमिंग साउंड सिग्नल्स एंड एम्पलीफाइज इट एट द एयर ड्रम। इनकमिंग साउंड सिग्नल्स, वो जो बाहर से आती हुई हमारी आवाज़ें होती हैं जिनको हमारे कान सुन रहे होते हैं, उन कानों के आउटर एयर का काम होता है कि उन आवाज़ उन सिग्नल्स को सुनना, उनको मॉडिफाई करना और फिर उनको एम्पलीफाई करके एयर ड्रम तक पहुँचाना, ठीक है जी। आवाज़ को रिसीव करना पहली बात, उसके बाद क्या होता है,
मॉडिफाई करना, मॉडिफाई का मतलब करने का मतलब होता है चीज़ों को एडजस्ट करना, सेट करना, ठीक है, कि आवाज़ का कितना हमने अंदर भेजनी है, कितनी हमने बाहर रोकनी है, ठीक है, उन आवाज़ों को एडजस्ट करना, और उसके बाद उनको क्या एम्पलीफाई करना, ठीक है। एम्पलीफाई करने का क्या होता है, एम्पलीफायर आपने सुना होगा, मस्जिद में लगा होता है, लाउड स्पीकर के साथ एम्पलीफायर लगा होते हैं, जिसका काम क्या होता है, वो आवाज़ को बड़ा वाजे करके, बड़ा क्लियर करके, वो ऊंचा करके मुनासिब आवाज़ में जाकर सुनाते हैं, ठीक है। तो एम्पलीफायर का काम भी क्या होता है, एम्पलीफायर से एम्पलीफाई निकला है, एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, चीज़ों को क्लियर करके, वाजे करके पहुंचाना, कहाँ तक पहुंचाना, एयर ड्रम तक पहुंचाना। एयर ड्रम वो जगह होती है जहाँ पर हमारा आउटर एयर है उसकी लिमिट ख़त्म हो रही होती है, आउटर एयर की लिमिट ख़त्म हो रही होती है एयर ड्रम पे जाकर, ठीक है जी। तो आवाज़ जो बाहर से आती है उसको आउटर एयर उसको रिसीव करता है, उसको मॉडिफाई करता है, ठीक है, और उसके बाद उसको एम्पलीफाई करके उसको एयर ड्रम्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है मिडल ईयर। मिडल ईयर का काम क्या है जी, विच इम्प्रूव द सिग्नल्स एंड ट्रांसफर्स टू इनर ईयर। इसका काम क्या है, ये आउटर ईयर की तरफ से जो सिग्नल्स तक पहुंचते हैं, मिडल ईयर तक पहुंचते हैं, उनको मजीद बेहतर करता है, उनको इम्प्रूव करता है, ठीक है। उनकी फ्रीक्वेंसी चेक करेगा कि फ्रीक्वेंसी उनकी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, और उसके अलावा देखेगा कि इसको आवाज़ को छोटा करके मुझे आगे पहुंचाना है, बड़ा करके पहुंचाना है, वाजे कैसे करना है, ठीक है, आवाज़ को फिल्टर करना भी यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये उसके साउंड सिग्नल्स को ये इम्प्रूव करता है, और इम्प्रूव करके इसको ट्रांसफ़र कर देता है अगले हिस्से तक, जिसका क्या नाम है, इनर ईयर है। द इनर ईयर तीसरा पार्ट हो गया इनर ईयर, वेयर द सिग्नल्स आर कन्वर्टेड फ्रॉम मैकेनिकल वाइब्रेशंस इनटू नर्व इम्पल्सेस। अब यहाँ पर इसका काम थोड़ा सा अहम हो गया इनर ईयर का। देखिए पहले वाले ने क्या काम किया था, आवाज़ को रिसीव किया, रिसीव करके सेट करके एडजस्ट करके इसको आगे पहुँचा दिया। दूसरे ने क्या काम किया था, उसने भी आवाज़ों को, यहाँ से आने वाली आवाज़ों को, आउटर एयर से आने वाली आवाज़ों को रिसीव किया, उसको इम्प्रूव किया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया अगले तक। लेकिन जो इनर ईयर है उसका काम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसका काम क्या है कि सिग्नल्स आर कन्वर्टेड फ्रॉम वाइब्रेशंस टू नर्व इम्पल्सेस। अभी इसका काम थोड़ा मुश्किल है। ये क्या करते हैं, सिग्नल्स की फॉर्म में जो आवाज़ आ रही होती है उसको कन्वर्ट करता है, वो जो वाइब्रेशंस की फॉर्म में आवाज़ आ रही होती है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, इम्पल्सिस में, और फिर उसको ट्रांसफ़र कर देता है ब्रेन में। तो इसका काम जो है वो क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आवाज़ों को तब्दील करना, वाइब्रेशंस से हटाकर उसको इम्पल्सिस में लेके आना, और उसके बाद उसको जहन तक पहुंचाना, जहन एक खास नर्व के जरिए, जैसे हम ऑल्टरी नर्व कहते हैं, उस नर्व के जरिए ब्रेन तक ट्रांसफ़र करना, ठीक है। तो ये जो है, ये इनकी हमने एक ब्रीफ सा मुख्तसर सा हमने डिस्कशन किया है कि इनका क्या फंक्शन है। एक्चुअल में इसकी डिस्कशन अभी काफ़ी डिटेल्ड है, हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इसके तीन हिस्से होते हैं, पेरिफेरल ऑल्टरी सिस्टम जो हमारा है, जो हमारा कान है, वो इन तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। अभी हम पढ़ेंगे आउटर ईयर को। ये एक मिनट तस्वीर देख लें इसकी, क्या होता कैसे है कान का, मैं आपको तस्वीर इसकी किसी और तरह से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने तस्वीर है किसकी, कान की। ये आउटर ईयर है, ये कान का वो हिस्सा जो हम, ये जो बाहर हमारा दिखा होता है, ये आँख के साथ जो कान कैसा होता है, ये बड़ा सा, ठीक है जी, ये जो एंटीना सा लगा होता है, राइट। सो ये हमारा क्या हो गया, ये आउटर ईयर हो जाता है, और यहाँ से होता हुआ ये एक इस ट्यूब से होता हुआ आगे पहुँचता है, उसके बाद ये आगे हमारा कौन सा, ये हमारा मिडल ईयर बन जाता है, ये हमारा हिस्सा। इसके कुछ हिस्से होते हैं डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा ये इनर ईयर आता है, ठीक है। ये देखिए आपके बाउंड्रीज की दिख रही होगी शायद, ये जो बाउंड्री है इसकी, ठीक है जी। ये हमारा आउटर ईयर था जो यहाँ पर पॉइंट है, ये इसकी बाउंड्री है यहाँ तक, ठीक है जी। ईयर ड्रम हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, और ये है मिडल ईयर की बाउंड्री, फिर देखें यहाँ तक है, उसके बाद आगे क्या आ रहा है, ये इनर ईयर आ गया, राइट। तो ये एक सामने की आपकी तस्वीर आ गई किस चीज़ की, एयर की पूरी, ठीक है। इसी इन तमाम इसको कभी हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन। ओके, क्या कहा जी, लेट्स डिस्कस ऑल दीज पार्ट्स वन बाई वन जी। आउटर एयर से स्टार्ट करते हैं। द आउटर एयर कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, नंबर वन द ऑरिकल एंड नंबर टू द मीटस।
आउटर ईयर के दो हिस्से होते हैं। आउटर ईयर का पहला हिस्सा क्या हो गया, उसका नाम है ऑरिकल, ऑरिकल का ही दूसरा नाम है पिना, ऑरिकल को हम पिना भी कहते हैं, दो नाम इसके हो गए। और मीटस है, मीटस को हम एयर कैनाल भी कहते हैं, ठीक है, दो दो नाम हो गए हर एक के। ऑरिकल से स्टार्ट करते हैं। ऑरिकल क्या होता है, द ऑरिकल पिना, इट इज़ द ओनली विजिबल पार्ट ऑफ ह्यूमन ऑडिटरी सिस्टम। इंसानी जो समाप्त का निज़ाम होता है, जो ऑडिटरी सिस्टम होता है, इसका वाहिद विजिबल जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, यही होता है ऑरिकल होता है, जिसे हम पिना भी कहते हैं। देखें ये है, ये देखिए, ये जो सारा है, ये आप क्या हो गया, आपका पिना हो गया, ठीक है, ये सारा आप क्या हो गया, आपका ऑरिकल हो गया, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, पिना का नाम इसको देंगे, ठीक है जी। तो ये इंसानी ऑडिटरी सिस्टम का वाहिद हिस्सा होता है जो कि विजिबल भी होता है। उसके बाद तो यहाँ से देखें, कान का मिडल और इंटरनल पार्ट स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर वो विजिबल नहीं होते हैं। जी, द ऑरिकल और पिना, इट इज द ओनली विजिबल पार्ट ऑफ द ह्यूमन ऑडिटरी सिस्टम। द फंक्शंस ऑफ ऑरिकल आर, ऑरिकल क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, इट कलेक्ट्स इनकमिंग साउंड वेव्स, बाहर से आने वाली हवा की, सॉरी आवाज़ की लहरों को ये क्या करता है, उसको पहले रिसीव करता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन आवर एबिलिटी टू लोकलाइज द साउंड, आवाज़ों को लोकलाइज करने में, आवाज़ों को आइडेंटिफाई करने में, आवाज़ें किस तरफ से आ रही हैं उसको आइडेंटिफाई करने में भी ये पिना, ये ऑरिकल अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये हमारे दो कान होते हैं, एक इस तरफ होते हैं, पर्पस यही है ताकि हम वाज तौर पर आवाज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें, कि कौन सी आवाज़ आइडेंटिफाई कर सकें, लोकलाइज कर सकें कि कौन सी आवाज़ कहाँ से आ रही है। आवाज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यही चीज़ इस्तेमाल की जाती है। इट कैन मॉडिफाई इनकमिंग साउंड पर्टिकुलरली ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, दूसरा काम इसका, एक और काम क्या हो गया कि बाहर से आने वाली आवाज़ों को ये क्या करते हैं, इसको मॉडिफाई भी करते हैं, उनको एडजस्ट भी करता है, ख़ास तौर पर उन आवाज़ों को जो कि हाई फ्रीक्वेंसी की होती हैं। तो बाहर से आने वाली वो आवाज़ें जो कि ख़ास तौर पर वो आवाज़ें जो कि हाई फ्रीक्वेंसी की होती हैं, उन तमाम आवाज़ों को ये पार्ट क्या करता है, एडजस्ट करता है, मॉडिफाई करेगा। अब ये कैसे मॉडिफाई करेगा, देखें ये हमारे कान के साथ कुछ ऐसी बनी है कि तमाम हिस्से बराबर नहीं है, ये उभरा हुआ हिस्सा है, ये पीछे की तरफ हिस्सा है, ये फिर उभरा हुआ हिस्सा है, ये कुछ और तरह से है, ये कुछ और तरह से है, आवाज़ टकराती है कभी यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ ऐसे ऐसे टकराती है, ठीक है। तो ये जो जगह है सारी, वो आवाज़ को एडजस्ट करके वो जो मतलूबा मिकदार होती है वही अंदर अंदर की तरफ जो है वो बैठती है, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है, पिना का क्या काम होता है, ऑरिकल का क्या काम होता है, इसका काम होता है क्या करना, आवाज़ों को एडजस्ट करना, उसके बाद जो है उसकी ख़ास मिकदार को आगे कम्युनिकेट करना, आगे इसको ट्रांसफ़र करना। पिना जो है इसकी एक कान के जो एक साइड है इसको हम पिना कहते हैं, और इसकी जो दो साइड होते हैं उसको हम पिनी कहते हैं। कान राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, पिनी कहेंगे। फंक्शंस पढ़ रहे हैं, दो तीन हो गए। वन ऑफ द मेन फंक्शंस इज टू प्रोटेक्ट द एंट्रेंस ऑफ द एयर कैनाल फ्रॉम डर्ट एंड पोटेंशियली हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। इसका एक और अहम काम भी सामने आ गया, इसका एक अहम काम ये भी होता है कि प्रोटेक्ट द एंट्रेंस ऑफ द एयर कैनाल, ठीक है, ये पिना के बाद आगे एयर कैनाल आएगी, ठीक है। इन एयर कनाल की एंट्रेंस पर आपने देखे होंगे कुछ यहाँ पर बाल होते हैं या कुछ ऐसे उभरे हुआ ऐसा होता है बाल का, ठीक है जी। काम क्या होता है उस जगह का, और वहाँ पर खास एक लिक्विड भी होते हैं। काम क्या होता है इस चीज़ का, इसका काम, इस हिस्से का काम होता है कि जो बाहर से जो डर्ट मट्टी आ रही होती है, मट्टी को वहाँ पर रोकना होता है। और इसके अलावा देखें, पोटेंशियली हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स, वो तमाम चीज़ें जो कि आपके कान को, आपके जिस्म को, बॉडी को नुकसान दे सकती हैं, उन तमाम चीज़ों को रोकना भी इसका काम होता है, ठीक है ना। ये देखें कान का ये जो अंदर बड़े बड़े बने बनाया घोंसले हैं हमारे, बहुत से हशरात के लिए, हशरात चाहे तो अंदर जा सकते थे, मतलब जब हम सो रहे होते हैं तो उनका तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ठिकाना था, लेकिन वो अंदर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, इसी वजह से नहीं जाते क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे खास सेंसर्स लगे होते हैं, ऐसे खास एक लिक्विड होता है जिसकी वो कुछ इस किस्म की होती है कि वो हर किस्म के किसको हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स को वहाँ पर जाने से रोकती है, ठीक है। तो स्पिनिंग का काम क्या होता है, स्पिनिंग का काम उसको तमाम चीज़ों को रोकना होता है, राइट। आगे चलते हैं,
मीटस नंबर टू पे क्या आता है, पेरिफेरल ऑडिटरी सिस्टम के फर्स्ट पार्ट जिसको हम पढ़ रहे हैं द आउटर एयर, उसका सेकंड पार्ट कौन सा हो गया, मीटस हो गया। मीटस को यहाँ दूसरा नाम दिया हुआ है एयर कैनाल का। मीटस द सेकंड पार्ट ऑफ आउटर एयर इज अ पैसेज और ओपनिंग लीडिंग टू द इंटीरियर ऑफ द बॉडी। मीटस एक ऐसा पैसेज होता है, एक ऐसी गुजरगाह होती है जो कि कहाँ जा रही होती है, बॉडी के इंटीरियर की तरफ जा रही होती है, अंदर की तरफ जा रही होती है। तो बाहर से ये जो पिना हमारा है, ठीक है, ये जो ऑरिकल है, ऑरिकल से ट्यूब अंदर जा रही होती है जो कि हमारे जहन के दिमाग तक जाती है, जिस्म के अंदर जाती है। इस ट्यूब को, इस जगह, इसी से को हम क्या कहते हैं, इसे हम मीटस कहते हैं। द एयर कैनाल, ये एक मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, देखो ये पिना था, यहाँ से ये एयर कैनाल जा रही है, ठीक है, यहाँ से अंदर की तरफ एयर कैनाल जाती है। तो ये एयर कैनाल क्या कहलाती है, ये पिना कहला, सॉरी ये मीटस कहलाती है, राइट। ओके, द एयर कैनाल इज अ ट्यूब विद अ लेंथ ऑफ बिटवीन 25 एंड 50 मिलीमीटर। ये जो एयर कैनाल एक ऐसी ट्यूब होती है, ट्यूब फॉर्म में होती है, ट्यूब नुमा होती है, और इस ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई तकरीबन 25 से 50 मिलीमीटर के दरमियान कहीं होती है, और अप्रोक्सीमेट इसको हमने 2.5 सेंटीमीटर का हमने इसको होती हुई है लेंथ दी हुई है, ठीक है जी। तो इंसानी कान की में जो मीटस होती है, जो एयर कैनाल होती है, वो तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर लेंथ की होती है। विच सर्व्स एज द पाथवे फॉर अकूस्टिक सिग्नल्स टू रीच द मिडल एयर एंड लीड्स टू द एयर ड्रम। इसका काम क्या होती है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि बाहर से आने वाली आवाज़ों को एक रास्ता प्रोवाइड करना, रास्ता इस गुजरगाह प्रोवाइड करती है, उसको गुजरगाह से तमाम अकूस्टिक सिग्नल, वो जो जो समी पैगाम होते हैं, सोते पैगाम होते हैं, वो तमाम पैगाम इस रास्ते से गुजर कर कहाँ पहुँचते हैं, मिडल एयर तक पहुँचते हैं, ठीक है। और मिडल एयर जहाँ स्टार्ट होता है, जहाँ पर आउटर एयर ख़त्म होता है, जहाँ मिडल एयर स्टार्ट होता है, वहाँ पर एयर ड्रम होते हैं, ठीक है। तो इस ये जो ट्यूब होती है, एक रास्ता प्रोवाइड करती है कि साउंड प्लेयरें, जो साउंड वेव्स हैं, वो बाहर से आएँ, इस रास्ते से गुजर कर आगे मिडल एयर की तरफ चली जाएँ। तो ये एक तरह की गुजरगाह होती है, ठीक है जी। और क्या है, अब इसके फंक्शंस क्या हैं, दिस एयर कैनाल हैज़ टू टू फंक्शन तो नहीं, इनफैक्ट इसके दो तीन फंक्शन हैं, डिफरेंट फंक्शंस। फर्स्ट इट फिल्टर्स आउट टाइनी सब्सटेंसेज दैट माइट अप्रोच द एयर ड्रम। पहला काम इसका भी यही होता है कि जो कोई ज़रात ऐसे जो कि वहाँ से पिना से गुजर के आगे पहुँच गए हों, तो इस यहाँ पर आकर दोबारा से फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। आप बाज़ को ना आपके कान में कुचल जाएगा, आप ऐसे उंगली सब मारते हैं, थोड़ा कान को सेट करते हैं, तो क्या होता है कि वो चीज़ बाहर निकल आती है, या मतलब आप रिलैक्स फील होते हैं, लगता है कि वो चीज़ बाहर निकल आई है, ठीक है जी। एनीवे, तो इसका काम भी क्या होता है कि वो जो छोटे छोटे सब्सटेंसेज होते हैं, छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जो कि बाई चांस वहाँ पहुँच जाती हैं, कि किसी भी तरह से वहाँ पहुँच जाते हैं, तो उनको फिर आगे पहुँचने से रोकना है, आगे मतलब एयर ड्रम तक पहुँचने से इसको रोकना होता है। तो ये भी इस ट्यूब का काम होता है, कैनाल ट्यूब का काम होता है, कैनाल कौन सी, एयर कैनाल का काम होते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द कॉम्प्लेक्स मस्कल मस्कुलेचर ऑफ द मिडल एयर। मिडल एयर का जो मस्कुलेचर होता है, उसका जो उसके जो मसल्स का जो स्ट्रक्चर होता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। बनिस्बत आउटर एयर के, जो मिडल एयर के जो अंदर जो हड्डियाँ होती हैं, वो जो पार्ट्स होते हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, उसका जो स्ट्रक्चर होता है मसल्स का, वो क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ये थोड़ा सा बचाता है। इट एक्ट्स एज द रेजोनेटर फॉर द इनकमिंग साउंड वेव। आने वाली साउंड वेव जो होती है, उनके लिए क्या एक रेजोनेटर का काम भी करता है, रेजोनेटर का काम। रेजोनेटर क्या होता है, रेजोनेंस, एक वर्ड आपने सुना होगा, रेजोनेंस, रेजोनेंस कहते हैं वो गूंज को, उस चीख की ऊंची आवाज़ को हम कहते हैं रेजोनेंस कहते हैं। तो एक रेजोनेटर का काम करता है, ठीक है। बास आवाज़ें जो होती हैं, उनको क्या कहते हैं, एक बहुत मध्यम बास को तो आवाज़ें होती हैं, उन मध्यम आवाज़ों को एक सेट करके पहुँचाते हैं, ऊंची आवाज़ों को सेट करके आगे ये पहुंचाती है ये जगह भी। द एयर कनाल प्रोवाइड्स रेजोनेंस विच मीन्स दैट इट इन्हेंसेज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रेट रेंज ऑफ साउंड स्पेशली दोज बिटवीन 500 एंड 4000 हर्ट्स, ठीक है। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कि हाई रेंज की होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी की होती हैं, जैसा कि 500 से 4000 हर्ट्स की जो आवाज़ें होती हैं, इन्हें हम हाई रेंज की आवाज़ें कहेंगे, ठीक है जी, इस सेंस में।
तो उन आवाज़ों को क्या कहते हैं, उसको एक उसको रेजोनेट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको सेट करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं, उसको एडजस्ट करके आगे उसको पहुंचाते हैं, ठीक है। द एयर कैनाल फर्दर अपीयर्स टू बी पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 2000 एंड 4000 हर्ट्ज। खास तौर पर आवाज़ें जो कि 2000 से 4000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के दरमियान होती हैं, उन आवाज़ों के सिलसिले में ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, ठीक है जी। उन आवाज़ों को खास तौर पर क्या एडजस्ट करता है, फिर आगे पहुँचाते हैं। लेकिन हमारे अक्सर आपने मतलब सुना होगा कि ऐसा बोलो कान के पर्दे फट जाएंगे, इस तरह की बातें बातें हम सुनते रहते हैं। तो यही चीज़ होती है, मतलब है कि आवाज़ अगर बहुत ज़्यादा ऊंची होती है, बहुत ही है, ठीक है, जब आपका जो मिडल ईयर है, जो आपके जो सॉरी जो आपके ईयर के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो कि जब उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते, तब क्या होता है कि आपके कान के पर्दे पर वो चीज़ असरअंदाज होती है, ठीक है। तो कान के मुख्तलिफ हिस्से ऐसे हैं जिनका काम क्या होता है कि वो आवाज़ों को एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करके आगे पहुंचाते हैं, ताकि वो कान वो आवाज़ें जो हैं वो आपके कानों पर असरअंदाज ना हो। इट प्रोटेक्ट्स द एयर ड्रम फ्रॉम चेंजेस इन टेम्परेचर एज वेल एज फ्रॉम डैमेज। इस एयर कैनाल का एक और काम ये भी है कि ये मौसम में सॉरी जो टेम्परेचर में ठंड या गर्मी की जो शिद्दत होती है उसको भी आगे पहुंचाने से बचाती है, रास्ते में रुक जाती है वो चीज़ भी, और अगर किसी किस्म का डैमेज आता है तो वहाँ पर कान के स्टार्टिंग के हिस्से में आ जाते हैं, आगे डैमेज नहीं पहुँचा। जैसे जैसे देखें, आउटर से मिडिल ज़्यादा सेंसिटिव है, मिडिल से इनर ज़्यादा सेंसिटिव है, तो जैसे मतलब है कि आगे बाज़ का हम एक एक माचिस की तीली कान में लगा रहे होते हैं या कोई स्टिक लगा रहे होते हैं कान में, तो खदशा होता है कि आगे चले जाए, बाज़ का जोर से लग भी जाती है तो दर्द होते हैं। अब वही चीज़ अगर हमारे यहाँ पर पिना पर लगे, ओरिकल पर लगे, ये बाहर वाले हिस्से पर लगेगी तो हमें दर्द कम होता है, कम सेंसिटिव है वो। ये अगर आगे जाकर हमारे कान के पर्दे पर एयर ड्रम पे जाकर वो चीज़ टच होती है तो हमें ज़्यादा वो क्या लगती है, हमें ज़्यादा वो थोड़ा सा तकलीफ होती है, दर्द होता है, डैमेज होती है चीज़। ये चीज़ अगर मतलब है कि कान के पर्दे को फाड़ के आगे चले जाते तो वह फिर बहुत ज़्यादा फिर हमारे जहन पर असरअंदाज हो सकती है, और भी बहुत से मसाइल हो सकते हैं। तो इस एयर ड्रम का सॉरी इस एयर ड्रम नहीं एयर एयर कैनाल का काम क्या होता है कि ये जो टेम्परेचर के असरात होते हैं उसको भी लिमिटेड करती है, और डैमेज के खतरा से भी उसको कान को बचाती है, एयर ड्रम को बचाती है, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर इसको वाइंड अप करते हैं, फिर बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सेंड करता हूँ। क्या चीज़ हमने पढ़ ली है, हमने ये पढ़ी है कि ऑडिटरी फोनेटिक्स क्या होती है, उसके बाद ऑडिटरी फोनेटिक्स जो है उसमें सुनने और बोलना कैसे मतलब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। हमने इसमें डिस्कस कर लिया कि हमारे जो है पेरिफेरल दो तरह के सिस्टम होते हैं, पेरिफेरल हो गया और इंटरनल हो गया। हमने पेरिफेरल को स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमने कान को पढ़ रहे हैं, कान को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, हमने आउटर में मिडल में और इनर में डिवाइड किया है। आउटर को हमने सारे को अभी डिस्कस कर लिया है, आउटर में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, कौन कौन सी दो चीज़ें, पहली हमने पढ़ी है ऑरिकल और दूसरा हमने पढ़ा है मीटस पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बाकी चीज़ें आगे सेंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।